अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चैम्पियन लाहौर चेयर 2024 की छत पे। हैदर अली छत उस्ताद नया बैटर होगी माशाल्लाह के चैम्पियन उनका ऐसा शौक करवा रहे हैं। मुझे जब मैं इनको देख लेता हूँ ना कि ये यहाँ पे ये है मेरी इनकी इनकम करने की जो बच्ची जो प्रोडक्शन है ना वो 90% प्लस इतने ज़्यादा इनके जो दूसरे हो रहे थे ना जिस दिन सेकेंड उड़ान जब इनकी पहले दिन में नहीं मैंने ये जी नाजरीन अगर बता दें कि वीडियो और आवाज़ क्लियर है तो आगे बढ़ाते हैं। ये माशाल्लाह इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में, लाहौर चैम्पियन जेड 2024 हैदर अली छत उस्ताद नायाब हैदर के चैम्पियन कबूतरों का आपको शौक करवा रहे हैं माशाल्लाह। मान कह रहा भाई ये तो सुकून हो गया, अब आराम से पंजाब के घंटे लिखो। वो जो स्ट्राइक थी ना मैंने वो इनके कबूतर होंगे मैंने देखा मैंने पूरा भी लाइव आए शायद अपनी छत से ही आए देखा तो कराची की छत से लाए इधर से आ जाए सामने मैं आपका कार्ड फोन मारता हूँ पकड़ने आ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मंजर भी देख लिया आपने, लोग भी देख लिए हैं। तमीज मैंने आज ज्यादा कोई नहीं माननी, को होश के जो फ्राइज बल्कि आज होश के जो फ्राइज है ना वो ऑफिशियली कामरान अदा करेंगे और कामरान ने माशाल्लाह अपनी मेहनत से एक ट्रेंड सेट किया हुआ है। लोग इन्हें लाइक भी करते हैं, इनकी मेहनत को पसंद भी करते हैं और मैंने हमेशा इन्हें अप्रिशिएट किया है और इनके काम को भी। और फिर माशाल्लाह ऑर्गेनाइजिंग लेवल पे भी आ गए, अच्छा टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पंजाब में भी और लाहौर में भी। आज ये दो काम करने आए हुए थे, मुबारकबाद देने भी आए हुए थे और माशाल्लाह कवरेज के लिए भी आए हुए थे। और असल जो होस्ट के आज जो फ्राइज हैं वो कामरान साहब ही अंजाम देंगे। मैं इनको आज ये कहें असिस्ट करूँगा, क्यों? क्योंकि मामला आज मेरे घर का है तो इसलिए मेरा असिस्ट करना इनको बनता है। आज मैं सिर्फ इन्हें असिस्ट करूँगा और आज होंगे कामरान के तीखे तीखे सवालात और हम होंगे हाजिर खिदमत। और अब कैमरा है कामरान की तरफ, तीखे तीखे सवाल मेरे ऊपर डाल दें। बहुत शुक्रिया तुराब भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंत्री हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आज आपके साथ एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सैयद तुराब हैदर साहब का, हमारे बड़े भाई हैं और हमें जो है अक्सर व बेशतर बड़ी इनकी जो है सरपरस्ती की ज़रूरत पड़ती रहती है और अक्सर व बेशतर जो है हमें इनकी जो है नसीहतों की भी ज़रूरत पड़ती रहती है, अमूमन हमारी बातचीत होती रहती है। बड़े अच्छे इंसान हैं, आप तमाम दोस्त इनको जानते हैं तो ये इस चीज़ को हम एक साइड पर रखते हैं क्योंकि हमारा तो जो ताल्लुक है हम एक दूसरे की जो तारीफ करें। असल जो आज की तारीफ जो होनी है वो मैं आपको बता दूं कि लाहौर में इस दफ़ा जैसे कि सारी दुनिया जानती है कि इस दफ़ा जो टेम्परेचर है वो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस्ताद चौधरी मुबशर घुमन साहब से उस दिन मेरी बात हो रही थी। एक दिन तो वो कह रहे थे कि गर्मी असल जो पड़ती है तो तब मज़ा आता है जब 15 से 20 दिन का गैप पड़ जाए बारिश का, 15-20 दिन बारिश ना हुई और उसके बाद जब सीज़न स्टार्ट होता है तो वो कहलाती है गर्मी। तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा तो कुछ काफ़ी वक्त ऐसा ही गुजर गया कि 20-25 दिन का गैप पड़ा था तो तब जाके जो है यहाँ पे हमारा सीज़न स्टार्ट होता है 28 मई से लाहौर का सीज़न स्टार्ट होता है और उससे पहले पंजाब की तीन फिरतें जो है गालबन 24-26 ना दो फिरतें जो है वो हो चुकी होती हैं और उन पंजाब की दो फिरतों में पूरी दुनिया जो है ये देख चुकी है कि लोग घबरा गए थे, परेशान हो गए थे कि इस दफ़ा पंजाब में ऐसी गर्मी पड़ रही है कि अपर पंजाब साइड पर जहाँ पर लोग कहते थे नमी है, माहौल बेहतर है, फला है ये है, वहाँ पे भी लोगों के कबूतर जल्दी बैठ रहे थे। 8-8 बजे लोगों के 10-10 कबूतर बैठे और ना सिर्फ बैठे
बल्कि उनमें से दो दो तीन तीन मर भी गए। तुराब भाई ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया था दूसरी परवाज पे कि इनको जो सात परवाजों में ही दो पलंटियों की इजाजत दे दी थी, मेरी बाद में बात भी हुई थी इनसे। तो उसके बावजूद लाहौर अपना पंजाब में तीन तीन कबूतर मर गए थे, तो फिर भी लोगों का एक एक कबूतर कम हो गया। जब आगे 27 आई तो लोगों के जहन में यही था कि लाहौर में भी कोई जिस किस्म के जो धमाके और पटाखे होंगे। और जो 28 को जब पहली दफ़ा लाहौर उड़ा तो ये हमें महसूस हुआ कि बिल्कुल लाहौर में भी ये जो निज़ाम चल रहा था सारा हमारा पीछे से, जो पंजाब में लग सिलसिला चल रहा था वो लाहौर में भी घबराहट का सिलसिला उस तरह से था, और लाहौर में भी बहुत जल्दी कबूतर बैठे। लेकिन अचानक से एक छत जो है हमारे साथ जो जुड़ती आ रही थी, एक तो उस दिन मलिक मुबशर कोकर साहब के मत मारों के उनके कबूतर बहुत शानदार उड़े, बड़े अच्छे कबूतर उन्होंने उड़ाए पहले दिन, तो यानी कि वो उन्होंने दिल खोल के उन्होंने कबूतर उड़ाए, पता लगा कि बहादुरी से उड़ाए। लेकिन एक छत ऐसी हमारे साथ लगी कि तमाम लोगों की नज़र बाकी दुनिया से हटके उनकी तरफ उनके ऊपर टिक गई, और सब उनको देखने लग गए कि यार ये छत अब जो निकलती आ रही है तो ये आगे जो कोई बड़ा धमाका कर सकती है। और फिर इनके जो दोबारा जो बाजी उड़ी तो उसमें माशाल्लाह 70+ आवर्स बन गए। तो वो जो 70+ आवर्स थे वो एक तिलमिलाहट का शिकार हो गए लाहौर के काफ़ी शौकीन हजरात, और कई फोन्स हमें भी आए कि जी ये छत कौन सी है, क्योंकि असल में वो छत सही नाम से जो असल नाम था जो सिलसिला जिस उस छत का जितने अरसे चलता आ रहा था वो नहीं लिखा हुआ था, वो उन्होंने लाड प्यार में अपने पोते के नाम से जो वो छत का नाम मेंशन किया था। तो लोगों के जहन में था कोई नई छत जो है वो अचानक से ऐसे उभर के आ गई। अच्छा, नेक्स्ट जो परवाज आई उस पे उस छत पे जहाँ एक या दो मुनसिफ होते थे वहाँ 8 से 9 मुनसिफ जो है उस छत पर सुबह सुबह विराजमान हो गए कि जी आज हम फलां की तरफ से फलां की तरफ से। और उस दिन उस छत ने बहादुरी के साथ सिर्फ 3 घंटे का डिफरेंस रहा, उस दिन 70+ थे और उस दिन 67+ आवर्स उनके जो हैं बने। तो मेरा ख्याल है कि जब एक दफ़ा 70 घंटे इतनी शदीद गर्मी 45-46+ में बन जाए तो उसके बाद दोबारा से 67 आवर्स देना एक बहुत बड़ी बहादुरी है। तो उस दिन तो 50 घंटे दिए हों तो फिर भी लोग कहते हैं बहुत अच्छे उड़ गए, तो वो तो 67 आवर्स। बहरहाल ये छत चलती रही और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लाहौर के टॉप आवर्स इनके 427 घंटों के साथ लाहौर में इस छत ने टॉप किया। हर तरह के टूर्नामेंट जहाँ जहाँ थे वो इन्होंने विन किए, जिन जिन टूर्नामेंट्स में ये नहीं थे लेकिन उनके चैंपियंस के बाद भी अगर देखा जाए तो घंटे इन्हीं के ऊपर थे। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक वसी एक्सपीरियंस वसी तजर्बा भी है और वसी सोच है, और स्पेशली मैं कहूँगा कि मेरे तो चले सीनियर तुराब भाई हैं, तो तुराब भाई के जो सीनियर्स हैं वो उनमें वो उनका पाइनियर्स में बल्कि हम कहेंगे कि कबूतर परवरी के मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं उसमें इनका जो है पाइनियर्स की हैसियत रखते हैं। तो मीडिया में मैं आपको अमूमन बता दूं कि सबसे पहले इनका नाम था, उसके बाद चले तुराब भाई आ गए, लाला माजिद अवान आ गए, आमिर रांझा साहब आ गए, मेरा नाम है और जैन भाई का। इसके अलावा प्रॉपर मीडिया से रिलेटेड लोग नहीं थे, क्योंकि जो रजिस्टर्ड वो थी ना प्रेस लॉ ब्रांच से जो रजिस्टर्ड होते थे मैगजीन, वो मैगजीन इन्हीं लोगों के मैगजीन्स होते थे। उसके बाद जितने भी हैं वो हमें तो अब तो हम भी सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर बन गए, तो अब तो बाकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। प्रॉपर जो मीडिया था उसके जो पाइनियर्स थे उनकी तरफ हम चलते हैं। और उसके बाद उन्होंने कबूतर परवरी में भी बेमिसाल रिकॉर्ड्स कायम किए 2009 के बाद जो अभी लाहौर चैंपियन हुए। लेकिन उन्होंने जो लोगों में ये 35 वाले कौन से होते हैं, बटेरे कौन से होते हैं, बांके कौन से होते हैं, टैडी क्या होते हैं, ये वल्ला आलम मेरा ख्याल है कि लोग इससे पहले नामों से इन नस्लों को नहीं जानते थे। हाँ ये जरूर पता था ये कसूरी है और ये टैडी है। मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए सिर्फ इतना ही करूंगा, उसके बाद आप चलिएगा। वो इतने से दो अल्फाजात, इतने से दो जुमले कि नायाब अपने नाम की तरह से जब भी उन्होंने काम किए नायाब काम किए। और 2009 भी लाहौर को नहीं भूला हुआ, और अब है 2024 और ये भी मेघा में लोगों को मुद्दतों याद रहेगा ये मौसम और ये जेठ और ये जेठ के रंग। और अब चलते हैं जी आगे, तो हम बगैर कोई टाइम मजीद आया कि हम चलते हैं जी लाहौर की नामवर शख्सियात बल्कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम उस्ताद सैयद नायाब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनकी तरफ हम जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, साथ साथ उनके उस्ताद सैयद शादाब हैदर साहब। सैयद शादाब इंतहाई खामोश तबा और इन्हें बुलाना बड़ा वो कहते हैं कि जान चुक्को का काम होता है। ये सलीम मिठू साहब है, मेरे शागिर्द हैं ये।
शादाब साहब है, छोटे भाई है मेरे शादाब हैदर साहब। तो हम चलते हैं जी उस्ताद सैयद नायब हैदर साहब की तरफ। सबसे पहले तो सर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत दी। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये मैंने तो आपकी फीलिंग्स देखी थी वो अरबाज की वीडियोस में, मतलब मुझे लग रहा था कि वो बोला भी नहीं जा रहा और फर्क जज्बात में इंसान जिस तरह वो आवाज भी कांप रही थी और सारा कुछ। तो वैसे मैं अल्फाज में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या फीलिंग्स थी उस वक्त? आपने बड़ी खूबसूरत वो उस फीलिंग्स को नोट भी किया आपने। ये फीलिंग्स एक दफ़ा मेरे लिए आई थी जिस वक्त पाकिस्तान ने पहला बैनुल अक़वामी क्रिकेट का टूर्नामेंट जीता था शारजा में, जब जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था कपिल देव को। जी जी। तो उस वक्त एक ऐसी कैफियत खौफनाक सी बनी हुई थी कि पता नहीं चल रहा था कि मैच भारत की तरफ था, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता कि उन्हें, वो तो शारजा उस वक्त स्टार्ट हुआ हुआ था, बड़ी पीक पे था शारजा में। तो मैं अल्लाह से बड़ी दुआ की थी उस वक्त, मैंने कहा परवरदिगार एक ऐसा स्ट्रोक दे जो इस मुल्क के नाम को रोशन कर दे। तो जावेद मियांदाद ने उस मुल्क के नाम को जिस तरह उठाया उस छक्के से, मेरी वो फीलिंग्स थी इस वक्त। वो फीलिंग इस तरह सी कि एक वाक्य मैंने आपको पहले बताया, एक बाजी का 1996 का वो जो हाफिज नईम और चौधरी सखी के दरमियान उड़ी थी, तो 45 टेम्परेचर 45-46 में मैंने अपनी होश में देखा हुआ है कि जिनके कबूतर कोई 2 बजे बैठ गया या किसी का अगर 3 बजे बैठ गया तो वो ऐसा समा होता था कि जी जैसे उन्होंने कोई मेला लूट लिया। तो रब ने हम पर वो यूनिक कर्म किया, ये वो यूनिक रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब की करम नवाजी से। कबूतर तो शायद भी इस काबिल ना हो, मेरे रब की करम नवाजी ने इनको इस काबिल बना दिया कि एक सुपर डुपर रिकॉर्ड बिल्कुल उस गर्मी में कायम कर दिया, जिस गर्मी में आपने पंजाब में फिर के देख लिया कि कबूतरों और कबूतरों वालों की पोजीशन क्या थी। तो मेरे पास वो इजहार करने के लिए जो फीलिंग्स थी मेरी, वो फीलिंग ये थी कि जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने स्ट्रगल करके, देखे ना एक चेहरा ये बैठा है, एक चेहरा ये बैठा है, एक चेहरा ये है, एक चेहरा में से उसकी मिसेज की तबीयत ठीक नहीं, अली अहमद, मेरा 4 लोग इस छत पे हम रहे हैं, ये मेरे भाई हैं छोटे, मेरी बेटियां नीचे से कहती रही हैं कि पापा वो चाचू ऊपर आते हैं तो नीचे क्यों नहीं आते, उनसे कहें खाना भी वो ऊपर मंगा लेते हैं। मैंने इसको 10 दफा कहा भी तेरी भतीजियां कहती हैं रात को नीचे लेटा कर, सुबह आ जाया कर ऊपर। मेरी बेगम ने मुझे कहा कि ये एक चारपाई इस खुडे के आगे डाल के लेटते थे सारी गर्मी में, ये बंदा और ये बंदा, इसने अपना घर छोड़ा हुआ था, ये दिन रात यहीं था। और जब वो रिजल्ट आया है और पता चला है कि भाई ये कबूतरों ने अल्लाह के फजलो करम से 9 मैच कर दिया, तो वो फीलिंग्स ही नहीं थी बयान करने वाली, वर्ड्स ही नहीं थे, वो सिर्फ चेहरे पे तासुरात आ सकते हैं, हाँ, वो नजर वो आ वर्ड्स है। नहीं है वो वर्ड्स हाँ। नहीं हो सकते। अच्छा सर एक बात आपसे पूछूं, 45 में आपने बात बताई एक दो बातें पिछली और उस दिन की भी आपने कहा कि 45 जो 45 पहले लगा था या 45 जो अब लगा है इसमें कोई डिफरेंस भी है? इसमें डिफरेंस जो लोग कह रहे हैं जिस तरह का जेट था, सीनियर्स भी कह रहे हैं कि पहली दफा ही। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ ये इसमें उस 45 में डिफरेंस ये है कि ये हीट वेव का स्पेल जो था लंबा था। मतलब वो था एक जिस तरह आप मैंने बताया ना वो 45 थी, उससे अगले दिन नागे वाले दिन बारिश हो गई थी लेकिन ज्यादा नहीं लाइट थी, लेकिन वो नमी आ गई तो फिर कबूतर 3-3, 4-4 बजे तक बैठ के जाके 41 हो गया टेम्परेचर, 41-42 हो गया, 3-3, 4-4 बजे तक कबूतर लोगों के बैठे थे। लेकिन ये स्पेल था जो वेव का इतना तवील हो गया था कि 7 फिरते 43 में मार के तो कबूतर 8वीं फिरते में नागे पे बाजी में आए थे, इतना हीट वेव ये लंबा हुआ था। इसलिए कबूतरों को मेंटेन रखना, एक ही डगर पे चला के लेके आना, ये बड़ी मेहनत का काम था।
और ये रब के, मैं ये आपको अब भी बता रहा हूँ, दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, ये अल्लाह के कर्म था जो ये हो रहा था कि स्टेप मुसलसल एक टक पे उड़ते जाना कबूतरों का। मुझे आपको मैंने बताया कि एक साहब का फोन आया, उन्होंने मुबारकबाद भी दी और साथ ये कहा जी कि सारे लाहौर के शौकीनों की नजर इस तरफ थी कि इस बाजी कबूतर नीचे आ जाएंगे, इस बाजी कबूतर नीचे आ जाएंगे, लेकिन कबूतर सातवीं बाजी तक नीचे नहीं आया। दिया क्या था? मैं कि यही तो कमाल था, अगर कुछ देते तो शायद फिर ये वो ना करते, वो नेचुरल उड़ रहे थे, उन पर इजाफी बोझ नहीं पड़ रहा था। अब मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि मुझे तो लोगों ने, क्योंकि मुझसे जो पूछते हैं ना, मुझसे तो कुछ और अंदाज से पूछते हैं कि शाह साहब सच्ची सच्ची गल दसो, थोड़े कबूतर उड़ाए कि? मैंने कहा कि यार यही सवाल ना, मैं अब इससे पहले कि काबरा पूछे, मैं खुद पूछ लू आपसे कि ये कबूतर माशाल्लाह उड़ाए किसने, हम आप ही की जबानी सुनना चाहते हैं। जी, मुझे मेरा ताल्लुक बहुत सारे लोगों से, उन्होंने कहा जी कोई फला बंदा आ गया, फला बंदा आ गया। थोड़ा सा ऐड कर दूं, आप करें करें, मैं थोड़ी सी एक बात ऐड कर दूं तुराबी, ये ठीक है किसी ने, लोगों ने सवाल पूछे होंगे, लेकिन हमारा इन सवालों से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पे मैटर करता चैंपियन कौन हुआ, ठीक है? तो हर जगह पे अमूमन मैंने देखा कि बहुत सी चते हैं हर जगह पे उड़ाने वाले और उड़वाइये काफी और भी होते हैं। अव्वल तो ये कि चले उड़ाए या नहीं उड़ाए किसी ने, लेकिन मैटर ये करता कि चैंपियन कौन हुआ। देखिए जी, मैं ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं तुराब की बात का जवाब भी दे देता हूँ। तुराब साहब, जीत के होते हैं 100 हिस्सेदार, हार का साथी कोई नहीं होता। तो अब जो लोग बातें कर रहे हैं, लेट देम टॉक। मैंने तो रात एक मिसाल दे दी, तो उन्होंने जब पूछा तो मैंने उनसे कहा जी कि एक मुबाहले का एक वाकया इस्लामी कि मैदान मुबाहला सजा, तो जिस वक्त आप सल्लम को वो सूरह निसा की आयत नाजिल हुई, तो उसके दौर पे उन्होंने कहा जी तुम अपनी बेटियों को लाओ, हम अपनी बेटियों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं, और झूठों पे फिर खुदा की लानत होगी। तो वो जिस वक्त वो आप सरकार जिन चेयरों को लेके चले और जब मैदान मुबाहला में एंटर हुए, तो वो जो पादरी थे, जो उनका हेड था, उसने अपने साथियों को कहा कि भई जो मैं चेहरे आज देख रहा हूं, ये चेहरे अगर पहाड़ों को हुक्म दें तो वो अपनी जगह छोड़ दें, इनसे मुबाला मत करो, और सब इस्लाम ले आए थे। तो मैंने कहा मैं तो ये नहीं कह सकता कि मैं कोई चेहरे दिखाऊं तो किसी को इस्लाम कबूल करवाऊं। तो मैं क्या, मैं चेहरे वो दिखा देता हूं जिन्होंने ये कबूतर उड़ाने में मेहनत की है, उड़ाए तो मेरे अल्लाह ने है, ये बेशक हम में से किसी ने नहीं उड़ाए, मेरे अल्लाह ने उड़ाए हैं। लेकिन वो चार चेहरे मैंने दिखा दिए थे उस दिन, एक शादाब हैदर साहब है, उड़ाने का जिम्मा है ही इनका, मैं मेरा काम ज्यादा ब्रीडिंग का होता है, मैं या इनको कुछ थोड़ा बहुत मशवरे अपने देता नवाजता रहता हूँ कि भाई ये ले कर लो, ये दूसरा बंदा है, ये तीसरा बंदा है अली अहमद, चौथा मैं बंदा हूँ। चार बंदों के अलावा किसी ने इस छत पे अगर कोई मेहनत की हो या कोई आके बैठा हो यहाँ, तो वो हैदर अली हो सकता, तो वो मेरा पोता हैदर अली है। इसके अलावा अगर कोई है तो वो खुफिया है, वो खुफिया हाथ है, छुपा हुआ है, जो सामने नहीं आ रहा, तो वो मुझे, हमें इसकी परवाह नहीं है, हमें इसको, ये कोई अहमियत वाली बात ही नहीं। लेट देम टॉक, पीपल एंजॉय आवर पिजन्स, एंजॉय आवर परफॉर्मेंस, अपनी बस अपनी फतह जो अल्लाह ने दी हमें, हम उसको एंजॉय करें। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये जो कबूतर जितने भी उड़े, तो ये कबूतर भी सवाल असल ये बनता था कि 2009 में भी ये कबूतर चैंपियन हुए थे, आपके घर के कबूतर, जी जी जी, और इस दफा भी आपके घर के कबूतर ही चैंपियन हुए। दरमियान में इतना बड़ा जो गैप आया, वो किस वजह से आया? मैं बताता हूँ जी, गैप नहीं आया। 2001 में हम लाहौर चैंपियन हुए, 2002 में लाहौर चैंपियन हुए, इखलाक खान साहब की चैंपियन ट्रॉफी उड़ती थी 2002 कंजेकटिव ईयर्स, फिर 2009, फिर 2021 में हम रनर्स अप रहे। अच्छा, 2021 में रनर्स अप रहे। दरमियान में पिछला साल हम उड़ा नहीं सके, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो गया था, और उस दौरान कबूतरों में वायरस आ गया बाद में, तो वो हम उड़ा ना सके उसमें। तो कंपटीशन में तो हम हर मरतबा आए हैं, अच्छी बुरी देखें, बाहिम्मत लोग कभी हारते नहीं है, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। सही।
तो हम जब कभी लूज भी किया तो हमने सीखा, ठीक है, हम हारे नहीं, हमने सीखा, और जो सीखा वो आपके अल्लाह ने सामने दिखा दिया, वो सामने दिखा दिया। मुक्केबाजी का जो हमारे पूरे पंजाब में लगा ले, लाहौर में भी अब शौक हो गया कि लाइट पे बैठेगा तो जरा नाम होगा। तो ये आपने, आप इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, पहले आप करते रहे हैं, आपने देखा सबको, खबरें मैगजीन से जो है, संडे मैगजीन होता था उस वक्त से आपका नाम हम भी सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, स्कूल टाइम से लिखा हुआ, तो ऑब्वियसली आप उस वक्त से सारी कबूतर परवरी से जो है आशना है। तो ये कब से ये जो इब्तदा हुई है, हमने तो सुना कि लाहौर में ये उस्ताद प्रॉब्लम, ये लाइटों का फिक्र नहीं है, जो अब मैं शायद ये बात कह दूं तो किसी की दिल आजारी ना हो जाए, इस मौसम ने प्लेयरों की जो क्लास है उसको डिफाइन कर दिया है, लोगों के सामने क्लास आ गई है कि गर्मी की क्लास में किस लेवल के लोग खेल रहे हैं, और जो नर्म है मौसम, ठंडे मौसम की क्लास वो क्या है उसमें कौन, मेरे ख्याल से अजान हो गया जी, अजान के बाद कबूतर दिखा दे, अजान दरमियान में आप कबूतर खाली दिखा ले, बंद भी कर, नहीं नहीं चलते जाने, चलते रहो, दोबारा से यहीं से जोड़ लेंगे, इस वक्त हम अजान का वक्फा ले रहे हैं, तो अजान के बाद इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं।